गजब गजब का नजारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आए हैं हथनी कुंड और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी और काफ़ी साइलेंट प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी नेचुरल वाली फीलिंग आपको आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सहारनपुर से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर है हथनी कुंड। यहाँ पर मैं और मेरे मित्र इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। बेजुबा कब से मेरा गुना सहता मैं गया। अरे वाह क्या मस्त नजारा हथनी कुंड का। और ये देखो यहां से हम जाएंगे नीचे, चलिए चलते हैं। ये हम आ चुके हैं नीचे और ये देखिए ये है वो नजारा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बहती हुई नदी, काफी अमेजिंग लगेगा आपको। और यहाँ पर काफी आराम से ये देखो बेजुबा कब से पानी की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड। अगर कोई सोचे कि मैं उस पार चला जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। बहुत अच्छी जगह है वैसे अगर कोई अकेला आए ना यहाँ पे। उसके लिए देख कितनी मस्त जगह है। अगर यहाँ आके तुमने कोई नेचुरल चीज नहीं देखी ना तो कुछ नहीं देखा भाई, मैं सच कह रहा। ये जो जगह है ना ये मुझे स्पेशली ऐसी लगी जैसे कोई बंदा मसूरी वाला देखा नहीं तो वीडियो हाँ ये देख यहाँ वो बैठे हुए थे तुम। ये जहाँ तुम तो बहुत सोच समझ के बैठने का बनाया इन्होंने, पता क्यों? क्योंकि देख यहाँ से एक तो वो लोकेशन देख क्या मस्त दिख रही, उधर से नदी आ रही है, ये नदी जाके इस पूरे नदी से मिल रही है, वहाँ स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। देख यहाँ इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा टेंसर जोन नहीं है। हालांकि देख टूटे हुए सारे के सारे क्योंकि हथनी कुंड में जिस टाइम पानी आया होगा। और देखिए यहाँ से पूरी उधर घूमते हुए जा रही है और सन देख सूरज देख, मतलब सोच क्या बेहतरीन मूव्स आते होंगे यहाँ पर, प्रकृति के क्या बेहतरीन नजारे होते होंगे। क्या रहे हो इतना दिख नहीं रहा है इतना मैं रियल लाइफ में दिख रहा हूँ। मस्त दोस्तों यहाँ पर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप।